सो पतरातू के तरफ एक नया लोकेशन के बारे पता चला है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई नया लोकेशन के बारे पता चले और वहाँ पे बीमल जॉर्ज ना जाए। सो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं नया लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप आप सभी को बढ़िया होंगे। बाइक हमारा पीछे पार्क्ड है एंड अभी हमारे साथ हमारा एक मित्र है जो कि है इस तरफ। मॉर्निंग सबको। और हम लोग को और मेरे दो तीन सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करेंगे जो कि हमें आगे मिलेंगे ओवर ब्रिज के पास। सो निकलते हैं यहाँ से। एक्साइटेड हिमांशु? तो हम 11:30 का टाइम दिए थे अपने सब्सक्राइबर्स लोग को कि जो कांके वाला ओवर ब्रिज है, मतलब जो रिंग रोड वाला ओवर ब्रिज है, वहाँ पे आने के लिए। एंड अभी लगभग 11:37 हो चुका है, तो जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। लगभग हम पहुँच ही गए हैं, बस ये वाला ब्रिज से उतरेंगे एंड हम लोग पतरातू वाले रास्ते में एंटर कर जाएंगे। तो एक जन यहाँ पे पहुँच चुका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने बताया था कि आज इस राइड में हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी ज्वाइन करेंगे, सो अभी वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो अभी एक एक करके सबको इसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो नाम बता दो अपना। और उधर वो तो अपना ही बंदा है। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड रांची का मौसम के बारे में बात करें ना, तो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। कभी बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ा देता है तो फिर से अभी गर्मी लगने लगता है। अभी हम घर से निकल रहे थे तो उसमें ठंड लग रहा था एंड अभी मेरे को गर्मी लग रहा है। तो पता नहीं यार रांची का मौसम क्या हो चुका है। और अभी तो बादल देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है। तो आई होप कि यार बारिश वारिश ना हो, बिकॉज आज का राइड का पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा अगर बारिश स्टार्ट हो गया तो। तो अभी हम लोग हैं पिथोरिया चौक के पास एंड यहाँ पे से हम लोग को स्ट्रेट जाना है। और जिस लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली वो एक वाटरफॉल है, और उस लोकेशन तक जाने का रास्ता सेम आपको पतरातू वाला रास्ते में जाना है एंड आगे एक, अरे भाई साहब बिना इंडिकेटर का मुड़ जाते हो। हाँ तो मैं बता रहा था आपको सेम पतरातू वाला रास्ते में जाना है उस वाटरफॉल के लिए एंड एक ब्रिज आता है वहाँ पे से राइट मुड़ना है। तो वीडियो में बने रहे, आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि कहाँ पे से मुड़ना है, बिकॉज अगर आप लोग गूगल मैप में सर्च करके आओगे तो गूगल मैप में वो लोकेशन नहीं है। तो गूगल मैप में अगर आप लोग सर्च करके आते हो तो वो लोकेशन आप लोग को नहीं मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग भी पहुँच सको उस लोकेशन में। फाइनली अभी हम लोग घाटी वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये पतरातू घाटी नहीं है, पतरातू घाटी से पहले जो एक घाटी आता है वो वाला घाटी है। एंड कॉर्नरिंग करने का जो मज़ा है भाई साहब, मज़ा आ गया यार। अभी भी पतरातू यहाँ से 16 किलोमीटर्स है, बट ये रास्ते में जो बाइक चलाने का मज़ा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल मज़ा रहता है। इसलिए भी ये रूट को बहुत सारे बाइकर्स प्रीफर करते हैं संडे राइड के लिए, बिकॉज रूट देख रहे हो भाई साहब, ऐसा कर्वी कर्वी जो रूट आता है ना उसमें मज़ा आ जाता है। ओहो क्या कॉर्नरिंग है, क्या बताए भाई साहब, क्या बताए। तो सामने का नज़ारा देखो, पहाड़ी पहाड़। तो ये वाला जो ब्रिज है यहाँ पे से हम लोग को मुड़ना है। ये वाला येलो कलर का हाउस है, ये वाला ध्यान देना एंड यहाँ पे से घुस जाना है नवम वाटरफॉल के लिए। तो ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ना, इसी में आपको 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ना है एंड उसके बाद फिर जाके मिलेगा वो वाटरफॉल। तो फाइनली ये वाला जो आगे रूट देख रहे हो ना, यहाँ पे से हम लोग को मुड़ना था राइट। तो चलते हैं एंड देखते हैं फिर। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा, बट उतना भी ख़राब नहीं है रास्ता एंड अभी बिल्कुल भी हम लोग अनएक्सप्लोर्ड वाले एरिया में जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल से पूछ लेते हैं, चाचा वाटरफॉल यहाँ पे कहाँ पे, किधर से जाना होगा? ये नदी किनारे किनारे पैदल पैदल उस तरफ। सो बाइक हमने पीछे वहाँ पे पार्क कर दिया है एंड थोड़ा सा हम लोग को वॉक करके जाना पड़ेगा वाटरफॉल तक, और इस तरफ से रास्ता है जाने का। सो वीडियो में बने रहे, आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना दूर है यहाँ पे से। सो वाटरफॉल तक जाने का रास्ता खेत से होते हुए गुजरता है एंड लगभग अभी हम लोग ने 1 मिनट तक वॉक कर लिया है एंड अभी उस तरफ आगे और हम लोग को जाना है। जहाँ ये रास्ता ले जा रहा है उधर हम लोग चलते रहते हैं,
हम लोगों को पता नहीं ना एग्जैक्टली कि कहाँ पे है वाटरफॉल। तो लगभग 2 मिनट जैसा चलने के बाद हम लोग को पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा है इस तरफ से, एंड लगता है हम लोग वाटरफॉल तक पहुँच गए हैं फाइनली। जो वाटरफॉल के लिए हम लोग उतना दूर से चल के आए थे वो है हमारे सामने, तो अभी दिखाते हैं आप लोग को। तो ये रहा वाटरफॉल, छोटा सा है, क्यूट सा है, और वाटरफॉल का नाम है नवम फॉल। हाँ, शराब पीना मना है, शराब पीने पर जुर्माना 3,000 रुपए। तो इस वाटरफॉल में आओ ना तो शराब वराब मत पीना, पकड़े जाओगे तो 3,000 भरना पड़ेगा। छोटा सा ही वाटरफॉल है लेकिन यार बहुत क्यूट वाटरफॉल है, एंड आई डोंट थिंक सो कि रांची में अभी तक ऐसा वाटरफॉल आप लोगों ने देखा भी होगा, बिकॉज लग नहीं रहा है कि ये कोई ऐसा रांची का वाटरफॉल है, मतलब फोटोज में। एंड दूसरा अच्छा चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, उतना ज़्यादा गंदगी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो यार यहाँ पे आओ तो कचरा वचड़ा मत करना, बिकॉज जगह को साफ रखना हमारे हाथों में है, एंड काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी नेचुरल जगह है, इसको साफ ही रखना। सो हम लोग इस तरफ से आए थे, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि रास्ता जो है वो ये वाला है इस तरफ से जाने का। सो अभी हम लोग वापस ये वाले रास्ते से जाएंगे, बिकॉज़ ये वाला रास्ता थोड़ा मतलब ठीक ही था, बट ये रास्ता भी देख लेते हैं। सो लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, पिकनिक विकनिक करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं घुसा हुआ है, बट हाँ कपल मत आना, ऐसे दोस्त लोगों के साथ है, लड़के लड़के हैं तो आ सकते हैं। बट हाँ फॉल देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड दूसरा अच्छा चीज़ यहाँ का ये है कि बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ का क्लीन है, सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पतरातू तरफ आते हो तो यहाँ पे भी घुस सकते हो आप लोग, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं मेन वाले रोड से, लगभग हम लोग इतना 2-3 किलोमीटर ही घुसे होंगे अंदर। एंड घुसने के बाद देखो इतना अच्छा वाटरफॉल मिल जाता है हम लोग को। एंड जहाँ पे हम लोग बाइक पार्क किए थे वहाँ पे से यहाँ तक का वॉकिंग डिस्टेंस लगभग 300 मीटर होगा, 300-350 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड वाटरफॉल में आने के बाद देख सकते हो सब कोई का फोटोशूट चालू हो चुका है, तो अभी भी देख सकते हो फोटोशूट चल ही रहा है पीछे, एंड हम भी बहुत सारा फोटोज़ निकाल चुके हैं। फोटोज़ देखना है तो इंस्टाग्राम में जाओ, फॉलो करो मेरे को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वक्त आ चुका है कि अब हम इस लोकेशन को छोड़ के यहाँ से प्रस्थान करें। सो कैसा था लोकेशन बताओ यार तुम लोग? अच्छा था, मज़ा आया? हाँ, मज़ा आया। और इधर भी एक भाई है। सो कैसा रहा राइड? खूबसूरत। सो चलो अब चलते हैं यहाँ से। वाटरफॉल से निकल के हम लोग जहाँ पे बाइक खड़ा किए थे उस तरफ आ चुके हैं, एंड आज के वीडियो को हमको लगता है यहीं पे इसको समाप्त कर देते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे से हम लोग और एक नया लोकेशन में जा रहे हैं, तो हम दो कंटेंट को मिक्स नहीं करना चाहते। सो अभी से ये व्लॉग ख़त्म होगा एंड यहीं पे से और एक व्लॉग स्टार्ट होगा जो कि नया लोकेशन का है। एंड फोन स्लिप हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, सो व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आ जाओ सब साथ में करते हैं। सो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखे, एंड व्लॉग्स देखते रहे। बाय बाय। सो बहुत ज्यादा हॉन्टेड वाला फीलिंग भी आ रहा है, देख रहे हो भाई कितना खतरनाक है, अगर यहाँ से स्लिप किया ना डायरेक्ट उस गड्ढे में घुस के खत्म। किला का कहानी ये है ना, ये श्रापित किला है, एंड यहाँ पे आज से 200 साल पहले यहाँ के राजा वाजा रहते होंगे। ओ भाई, पीछे से किसी का आने का आवाज आ रहा है।